सुजानपुर टीहरा में नगर परिषद काफी समय से विवादों में रही है। अब सुजानपुर टीहरा के पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष रमन भटनागर द्वारा भाजपा के पदाधिकारियों पर आरोप लगाते हुए बताया कि पार्टी सुजानपुर भाजपा कार्यकर्ताओं को आदर सम्मान नहीं दे पा रही है, जिस कारण वे पार्टी हाईकमान से लगभग 100 कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर उनकी शिकायत करेंगे। उन्होंने नगर परिषद की कार्यप्रणाली पर उंगली उठाते हुए कहा कि नगर परिषद के अध्यक्ष द्वारा गलत जानकारी लोगों को दी जा रही है, लेकिन हकीकत कुछ और ही व्यंग कर रही है। नगर परिषद द्वारा सफाई व्यवस्था ठीक से नहीं की जा रही है, जिससे कि शहर में हर जगह कूड़ा बिखरा हुआ है। स्ट्रीट लाइटें सभी दिन में जगी रहती हैं, लेकिन रात को बंद हो जाती हैं, जिससे ये साबित हो रहा है कि पार्टी कार्यकर्ता पार्टी को मजबूती प्रदान करने के अलावा पार्टी को हराने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि आलाधिकारी नेताओं को छुटभैया नेताओं की तरफ ध्यान देना चाहिए, ताकि पार्टी को मजबूती प्रदान हो सके। वहीं पूर्व नगर परिषद प्रधान ने आरोप लगाया है कि अनुराग ठाकुर द्वारा जारी धनराशि भी अशोक मेहरा द्वारा वार्ड नंबर 1 में नहीं दी गई है, जिससे ये साबित हो रहा है कि नगर परिषद अध्यक्ष द्वारा सभी वार्डों में एक समान विकास नहीं करवाया जा रहा है। टेंडर में जो प्रधान है अशोक मेहरा जी, उन्होंने भेदभाव किया। वार्ड नंबर जैसे एक जो है वार्ड नंबर सिर्फ 3 लाख रुपए दिया, वार्ड नंबर 9 में 6 लाख रुपए दिया, वार्ड नंबर 8 में उन्होंने 4.5 लाख दिया। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नगर परिषद जो भारतीय जनता पार्टी की जो बीजेपी की समर्थित कह जाती है, वो वार्ड नंबर एक पूरे शहर में जो एक बीजेपी का सबसे ज़्यादा वोट देते हैं, सबसे ज़्यादा वहाँ पर समर्थक है, वहाँ से भेदभाव हो रहा है। ये भेदभाव क्यों हो रहा है हम जानते हैं। एक सुजानपुर का उसको मैं छुट भैया नेता कहूँगा, जिसने कि पूरी बीजेपी को हाईजैक कर रखा है, उसके कहने के अनुसार यह अशोक मेहरा चलता है, परंतु इसका नुकसान जो पार्टी को उठाना पड़ रहा है। विधानसभा के चुनावों में भी ऐसा हुआ, जिन लोगों से वोट नहीं मिलने थे वो छुट भैया नेता उनके पास बड़े लीडरों को लेकर जाता था। जहां हमारी पार्टी के मेन कार्यकर्ता थे उनकी कोई पूछ मांग नहीं होती थी। आज भी वही हो रहा है, वही इतिहास दोहराया जा रहा है, परंतु बड़े नेताओं को इसमें थोड़ा सा अपना दखल देना चाहिए, जिससे कि आगे जो हमारा इलेक्शन आ रहा है, जिसमें हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो अनुराग जी ठाकुर जी को जो यहाँ पर ज़्यादा बर्थ मिले, परंतु इन छुट भैया नेताओं से जो है भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को अपना जो है कम से कम दखल देना चाहिए, कि वो अपनी पार्टी के ही लोगों को जो है नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो कांग्रेस के कुछ लोग आए हैं वो आज यहाँ हैं, कल बहन का कोई पता नहीं, परंतु अपने ही लोगों को नीचा नहीं दिखाया जाए। इसके लिए जो है हम पार्टी के कम से कम मेरे साथ 100 कार्यकर्ता पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल से और अध्यक्ष जो सतपाल सत्ती से उस छुट भैया नेता की शिकायत करेंगे, कि जो हमें किसी भी प्रकार, जैसे अब कोई भी अच्छा यहाँ पर जो अपना पन्ना प्रमुख सम्मेलन हुआ हमें नहीं बुलाया गया, यहाँ पर पीछे जो धूमल जी आए थे यहाँ पर गैस के चूल्हे बांटे गए हमें नहीं बुलाया गया, और इस शहरी इकाई के महासचिव उन्होंने मुझे बताया कि ये बैठक में कहा जाता है कि रमन भटनागर नहीं बुलाया जाए, परंतु वो ये भूल गए हैं शायद कि हमारे पास भी हमारे कार्यकर्ता जो है जो हमारे साथ चलते हैं और हम पार्टी के ही हैं, परंतु छुट भैया के नेता के अनुसार जो उसने पार्टी को हाईजैक किया उसको पीछे करे बड़े नेता, नहीं तो पार्टी को उसमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। सुजानपुर से एसटूडी के लिए राजन मेहता की रिपोर्ट।